सुरेश रैना को अगले सीजन में फिर से शामिल करेगी सीएसके। रैना को याद करते हुए टीम में वापसी को लेकर दिए गए सीएसके की तरफ से संकेत, धोनी भी लगाएंगे पूरा जोर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सब कुछ, लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि सुरेश रैना की IPL 2023 में वापसी हो तो इस वीडियो पर मात्र 400 लाइक का टारगेट है, जिसे आप सब पूरा कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं इस रोमांचक वीडियो की ओर। दोस्तों IPL 2022 के फाइनल मैच में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 7 विकेट से हरा दिया। इस मैच में जीत हासिल करके गुजरात की टीम ने IPL में इतिहास भी रच दिया है। दरअसल IPL में यह टीम पहली बार शामिल हुई थी। ऐसे में इस टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस टीमों को भी पछाड़ते हुए यह खिताब अपने नाम किया। दूसरी ओर इस सीजन में टॉप प्रदर्शन करने वाली राजस्थान को फाइनल मैच में पूरी तरह से बैकफुट पर धकेलने वाली गुजरात की तरफ से इस मैच में कप्तान हार्दिक पांड्या ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों से बेहतरीन प्रदर्शन दिखाते हुए इस खिताब को अपनी टीम की झोली में डाल दिया। हार्दिक ने इस मैच में 3 विकेट लेने के साथ ही 34 रनों की बेहतरीन पारी भी खेली। वहीं इस मैच के कुछ ही घंटों बाद सीएसके के इंस्टाग्राम अकाउंट से मिस्टर IPL यानी सुरेश रैना की एक फोटो शेयर की गई, जिसके बाद इस बात का अंदाजा लगाया जाना शुरू हो चुका है कि रैना अगले सीजन में सीएसके को हिस्सा हो सकते हैं। इस फोटो को डालने के साथ ही सीएसके रैना द्वारा खेल गई पूरी पारी को याद करते हुए कैप्शन भी दी गया है। ऐसे में इस IPL सीजन की समाप्ति के कुछ घंटों के भीतर ही सीएसके ने अपने सबसे बेहतरीन खिलाड़ी सुरेश रैना को फिर से याद किया। दरअसल आज ही के दिन साल 2014 में किंग्स इलेवन पंजाब के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए सुरेश रैना ने IPL और अपने करियर की सबसे तेज और यादगार पारी खेली थी, जिसमें रैना ने 25 गेंदों में 87 रनों की पारी खेलते हुए पंजाब की हालत खराब कर दी थी। हालांकि सीएसके इस मैच में हार गई थी। वहीं जब से सीएसके ने यह फोटो शेयर किया है, तभी से लोगों ने एक बार फिर सुरेश रैना को टीम में वापस करने और उन्हें MS मिस करने का कमेंट करते हुए टीम के मैनेजमेंट पर गुस्सा उतारना शुरू कर दिया। दरअसल इस सीजन में सीएसके ने रैना को रिटेन नहीं किया था। ऐसे में जब उनके नाम की बोली लगी तो किसी भी टीम ने उन्हें खरीदने में रुचि नहीं दिखाई, जिसके बाद रैना इस सीजन अनसोल्ड रह गए थे। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि रैना के बिना सीएसके प्लेऑफ पहले ही बार बाहर हो गई। तो दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, क्या रैना के साथ नाइंसाफी हुई थी? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।